हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उजिशा हूं ब्रेश और स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग चैनल में। गाइस, आज होने वाली है पहली भाभी की, आज भाभी पहला रमजान है भाभी का। हाँ, और घर में कोई है नहीं, मम्मी भी नहीं है, डैडी के घर में कोई भी नहीं है, और पहला रमजान भाभी के परी पूरी जिम्मेदारी, पहले ही रमजान में पूरी जिम्मेदारी, बोले सबको खिलाओ पिलाओ। तो अभी भाभी हम लोग सबके लिए कुछ ना कुछ बना रहे। मेरे को भी पूछ रहे थे सहरी में क्या खाओगे, अफतारी में क्या खाओगे, मैंने तो अपना बता दिया। तो सहरी में क्या खाते? मैं उबला हुआ अंडा और ओट्स। अफतारी में बोला मैं सिर्फ सैलेड खाऊँ और फ्रूट खाऊँ और कुछ भी नहीं खाऊँ, तो बोले ठीक है मेरे को आता है बनाना। मतलब अच्छी बात है, सैलेड बनाने आता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर देखते भाभी कर रहे हैं। चलो गाइस, भाभी ने आधे साथ मेरी फेवरेट चीज़ बनी हुई रेडी मिली मेरे को, ये देखो यहाँ पे सैलेड बनाया है भाभी ने, वो भी इतना भर के दो टाइम खा लेगा। वो सबके लिए, अकेले थोड़ी ना खाएगा। अच्छा, क्या सबके लिए? मेरे सिवा कोई नहीं खाएगा वो ना, तो खाएगा। हाँ, मैं रख के खाऊंगा, रात तक के सुबह तक के खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा जो तीन टाइम खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा, यही वही बोलना चाह रहे हो। भाभी इसमें दही वाला नहीं बनाया क्या? दही वाला मलाई डालनी होती है। क्या मलाई? अच्छा, मलाई डालने का था। तो यहाँ फ्रूट वूट आ गया, ये क्या है? और ये भाभी थोड़ा काम कर रहे हो उधर पर। भाभी क्या बना रहे हो अभी? भजिया बना रहे हो भाभी? अभी भजिया बना रहे कर दे, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे? भाई भी हेल्प किया था, पिज्जा सब काट रहा। अबे हाँ, यहाँ अभी पिज्जा भी बनाने जा रहे। सही है, सही है। थोड़ा अच्छा लगे, बीवी की हेल्प कर देगा तो अमन, बीवी की थोड़ी हेल्प कर दे तो अच्छा लगेगा। मेरी कोई हेल्प कर दो यहाँ पे। जॉब वालों इसका दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। कभी खत्म नहीं, कभी सुखी नहीं है ये, हमेशा दुख दर्द में ही रह रहे। हमें थोड़ी हेल्प कर दे कम से कम थोड़ा। आज तो पहला रमजान है भाभी, होती तो मैं अभी बीवी के साथ रहता था। कर रहा है ना हड्डी कर रहा है ना, इसको काम है, काम में बिजी है थोड़ा। काम कर ले, कुछ कर भी नहीं सकते, मार के पकाएगा ऑफिस में, से बोले निकल। और मेरे को क्या बोलता है वो, खाना बनाना है। तू खाना का बहुत शौक है ना, देखो आता है ना पकाने, आता है इस वजह से। हां देखो आता है, पका दे अभी, भाभी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यूं भी जायद अच्छा बनाता है। चलो चलो चल, बना जल्दी, बना जल्दी, बना। तू थोड़ी हेल्प कर, अभी मैं यही बनाने जा रहा हूँ, भाभी की हेल्प करने ही जा रहा। ये क्या है वो, उसको ना वो, ये क्या नगेट्स भी बना रहे हो? क्या क्या बन रहा है बच्ची यार? भाभी बना रहे, और फ्राइड वाला लेकर आए हो भाभी, घर में पका के फ्राई कर रहे। रमजान से पहले ही भाभी ने समोसा और वो रोल बना लिया। हाँ बताया, दिशान ने बताया। वो क्या बोलते हैं, फ्रीजर क्या बोलते हैं उसको, फ्रोजन। आधा ये बना हुआ इधर रखा हुआ, सही है, देख रहे हैं भाभी। मेरी बीवी को सिखा देना। मेरे को, मैंने पूछा नहीं, हो सकता है उसको आता हो, लेकिन नहीं, अगर नहीं आया तो तुम सिखा देना। पहले पूछ के आ, अभी पूछ ले, फोन पे पूछ लेंगे। घर में लेके सिर्फ एक ही काम सीखा है, बताओ क्या? ये जो कर रहा है अभी। चल कहीं तो वो हेल्प कर रहा है किसी की, तो हेल्प भाभी की हेल्प तो हो जा रही है उस चक्कर में उसकी। नहीं तो भाभी अकेले ही काम कर रहे थे जब से, तो अभी ये कबाब बना रहा है। लोग ने हर एक चीज गाइस महंगी लेकर आए हैं, आप लोग हमारे दूसरे चैनल पे देख सकते हो, तो हम लोग ना सस्ते में आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोग ने 50 रुपए का लेके आया कड़िंगर, तुमने कितने का लाया? 70 रुपए का। तूने अनानास कितने का लाया? 80। हम लोग ने कितने का लाया? 50। ए क्या क्या, 60 रुपए का अनानास 60 रुपए का, 20 रुपए। अरे बार्गेन करने आना चाहिए, तुम लोग क्या क्या पैसा उड़ा रहे हो, तुम लोग क्या पैसा उड़ा रहे हो, क्या पैसा उड़ा रहे हो। काम नहीं होता तो मैं जाता था, नहीं तो इसको भेजना पड़ा। इसने हर चीज में 10-20 रुपए महंगा लेकर आया, हर चीज का। इंग्लैंड लोग ने 70 का लाया, तेरे भाई ने 40 या 50 रुपए का लाया। वही दुकान से जाजू अंकल बोले, उन लोग आए थे, तुम्हारी एक टीम आके गई। अभी कल अंकल को बता दो, कल अभी 40 रुपए में लेके आता हूँ, देखो देखेंगे। बोले बेटा आ देता हूँ तेरे को। अबे वो बात करने के ऊपर रहता है, तुम लोग ऐसे आ लो भाई अंकल, लो हाँ 80 ले लो, 70 ले लो, दे दो 80 बोले तो 50-30 अपना नुकसान करके कोई नहीं बेचेगा। हाँ, अपने प्रॉफिट में ही देने वाला रहेगा, वो तो दे देगा, उसको जमेगा तो देगा। केला वही 50 में मिला, केला सस्ता नहीं मिला, केला यहाँ 50 में, 40 में लेके आता हूँ हर जगह। अभी महंगा है ना, अभी रमजान का पहला दिन, इसलिए बोले कि 10 रोजे तक महंगा ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा शायद सस्ता हो। मैं तो सोच रहा हूँ अपन भी धंधा खोल लेते फ्रूट का। गाइस यहाँ पर अभी फ्रूट लग गया है,
और जाहिद अभी तैयार कर रहा है अफतारी का सामान नीचे भी देने के लिए। पार्टी यार ब्रो, मजा आ रहा है कि कैसा लगा पहला रोजा? पहला रोजा पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। जब देख रहा हूँ यहाँ पे भाभी भी कर रहे हैं, तो फिर वो सब देखने में बहुत ज्यादा अच्छा टाइम पास हो जा रहा है। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा रहेगा देखो मालूम, ये देख, मैं देखा, मैं देख के देखते साथ खुश हो गया, अरे माँ ये क्या है, ये तो लाइट, मैं वही खाऊंगा और फ्रूट खाऊंगा ना, और कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो जो ऊपर तले हुए लोग, अनडाइटफुल लोग, बाकी ले गया ए, वो सब रख दे फटाफट नीचे जाके, मैं दे क्या तो मैं दे क्या तो भाई काम करने वाला है भाभी, टेक ले क्या तो रिएक्शन उन लोग का समझ में ना आ रहा है। भाभी पहले दिन क्या क्या कर रहे है, ये केक भाभी नहीं बनाई है, मैंने बनाया, तू बनाया है, अरे शिकार है क्या, हां वो बनाया उसकी उसके शक्ल पे दिख रहा है क्या कुछ, हर जगह अपना नाम लगा रहा है, दिमाग चला रहे है, अरे भाभी बनाए मेरे को मालूम है, क्या मतलब मैं नहीं खा सकता, क्या मतलब ऐसा बना के, क्या मतलब खा ले बस काफी है, क्या मतलब ऐसा बना के जो मैं ही नहीं खा सकता हूँ तो अबे हाँ वो चॉकलेट अभी इस पे ड्राई फ्रूट्स डालना, ऐसा ऊपर ऊपर थोड़ा शेड अच्छा आएगा, शेड अच्छे के लिए टेस्ट खराब नहीं करना, हर चीज पे ड्राई फ्रूट नहीं डालना, ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है, किसी मेरे साथ भी खा तू मजा ही आएगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता इसलिए नहीं डलवाया मैंने, कुछ नहीं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए अफतारी देने इधर, भाई अफतारी पकड़ा है, सबको ध्यान रखना पड़ता है भाई, बोलो भाई है ना बहुत काम कर रहा है, पता है बहुत काम किया तुम लोगों ने, मान लो गाइस हम लोग निकल गए तरावी पढ़ने के लिए, अभी तरावी पढ़ेंगे फिर जाएंगे घर पे, हाँ बहुत पानी करेंगे मजा आएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताओ, आप लोग भी शहरी तक जागते हो क्या? हम लोग तो जागते होते, अभी ऐसा हो गया है वो घर में औरत आ गई है, एक अमन भाई की वाइफ आ गई है, तो फिर हर जगह मतलब दिशान को भी रहना पड़ रहा है ऊपर, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, अमन और भाभी अकेले हो जाएंगे, इस वजह से दिशान ऊपर रह रहा है फिर नीचे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हम लोग दोनों जगह का ब्लॉग दोनों चैनल पे दिखाएंगे, आप लोगों को बहुत इंजॉय होगा, बहुत मजा आएगी, हर एक चीज आप लोगों को दिखाने वाले, चलो जल्दी तरावी का वक्त है, में भी क्या करते हैं, अफतारी में भी क्या करते हैं, सब बताएंगे, चलो तो गाइस हमारी तरावी हो गई है अभी के लिए मुकम्मल, अभी जा रहे हम लोग घर पे जाके मैं जाऊंगा जी, अब्रेश चल रहा है छुट्टी, आज छुट्टी कर अब्रेश का थोड़ा काम है और थोड़ा आराम करना है, तो मैं जाऊंगा अकेले जी।